Unacademy JEE YouTube channel, myself Paaras Sir, और चलिए आज हम continue करेंगे हमारे organic chemistry for class 12, that is the chapter alcohols and ethers. राइट तो अल्कोहल एंड ईथर का आज सिक्स लेक्चर है. तो बच्चों जिन्होंने भी पहले पांच लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स इन द प्लेलिस्ट सेक्शन. और कोई भी नया स्टूडेंट है सबसे पहले सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. अगर आपने घंटी नहीं बजाई तो आपको क्लास की घंटी नहीं बजेगी, क्लास की आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगी. राइट चलिए तो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर सिक्स के साथ. एंड बिफोर वी बिगिन पहला काम जो आपको करना दैट इज टू शेयर दिस वीडियो राइट नाउ. ठीक है अभी के अभी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे साथ सोशल प्लेटफॉर्म पे, ताकि सब बच्चों को जिनको भी अगर पढ़ना है और शायद वो भूल गए हैं लेक्चर के बारे में तो आपको उनको याद दिलाना है. फाइन और बाकी अनअकैडमी प्लस के बारे में आई थिंक आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करवाने की थोड़ी सी जरूरत है क्योंकि और भी कई नए चेंजेस हुए हैं जिनका मे बी नए स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ जो ड्रॉपर्स है ड्रॉपर्स का फोकस सबसे ज्यादा किस पे है, जनवरी राइट. तो आपकी प्रेपरेशन इज वन पार्ट एंड टेस्टिंग एनालिसिस दैट इज अनदर पार्ट. आप प्रिपेयर कितना आपने कर लिया है उसका आइडिया आपको नहीं लगेगा जब तक आप एक ओपन प्लेटफॉर्म पे टेस्ट नहीं देते हैं. टेस्ट में आपका क्या रैंकिंग आ रहा है, उसका क्या एनालिसिस होता है. तो टेस्ट सीरीज हैव बीन लॉन्च्ड ऑन द अनअकैडमी और वो प्लस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है. इट इज फॉर क्लास 11 के लिए भी है, क्लास 12 के लिए भी है, ड्रॉपर के लिए भी. तीनों के लिए तीन सेपरेट टेस्ट सीरीज हैं. क्विजेज ऑलरेडी पहले से हो रहे थे, लाइव डाउट सेशन ऑलरेडी पहले थे जहां पर आप अपने क्वेश्चन का फोटो लेकर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो लाइव क्लास में एंड द एजुकेटर विल सॉल्व इट फॉर यू. तो इससे बेटर डाउट क्लैरिफिकेशन और कहां पे हो सकती है एंड मच मोर पर्सनलाइज बिकॉज यू विल बी डायरेक्टली चैटिंग विद द एजुकेटर्स. जो भी आपका डाउट है, सर ये समझ नहीं आया, सर ये बता दो, सर इसमें क्या हुआ, ठीक है. तो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर जब आप डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो. तो अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करने के प्लान में हैं देन व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर आप डेस्कटॉप यूजर्स हैं जस्ट गो टू द unacademy.com/plus. ये पेज आपके सामने आएगा, 1 month 3 month 12 6 एंड गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है. आफ्टर दैट आपके सामने पेज आ जाएगा कि कितनी किस मंथ की सब्सक्रिप्शन आपने लेनी है. 1 year का प्लान लेना है, 2 year का प्लान भी अब आ चुका है, ठीक है. तो दिस इज जस्ट द आइडिया कि जब आप पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह का आपके पास सामने इंटरफेस रहता है. जब मैं पढ़ाता हूं तो इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने रहता है. आई कैन सी माई सेल्फ हियर, फाइन. तो वैसे आपको एजुकेटर भी दिखेगा और ये रहेगा आपका चैट बॉक्स जहां पर आप सारे सारे स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं. इंटरेक्टिव पोल्स भी होते हैं, फाइन. तो लर्न एनी टाइम एनी वेयर, कहीं से भी आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आप कहीं पर भी हो. ऑल यू नीड इज इंटरनेट कनेक्टिविटी. अगर वो भी आपके पास नहीं है तो बाद में अगर आपने लाइव क्लास मिस कर दी यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशन लेटर, फाइन. तो भूलना नहीं है. एंड जो भी मोबाइल यूजर्स अगर आपको ज्वाइन करना जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड इंस्टॉल करने के बाद गो टू द IIT JEE कैटेगरी. और अगर आप नीट और एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट और एम्स के लिए भी प्लस सब्सक्रिप्शन लॉन्च हो चुका है. IIT JEE कैटेगरी में गए, यहां पर नीचे प्लस पे क्लिक किया. प्लस पे क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा गेट सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन में 1, 3, 6, 12 and 24 दो साल की सब्सक्रिप्शन भी 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, फाइन. तो 1 year और 2 year द मोस्ट इकोनॉमिकल, मोस्ट लाइक कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि आपका डेली प्रेपरेशन कितना है. अगर आप 1 year सब्सक्रिप्शन लेते हो नॉर्मली चार्ज 25,000 एंड इफ यू यूज द JEE लाइव कोड, ये कोड अप्लाई करने में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड द कॉस्ट विल बी 22,500 rupees. ओके तो दैट इज अराउंड 60 rupees पर डे पूरा साल IIT JEE की प्रेपरेशन टॉप एजुकेटर्स से टेस्ट सीरीज के साथ और ऑल अदर बेनिफिट्स, फाइन. ओके तो रेफरल कोड JEE लाइव याद रहेगा. चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि अल्कोहल के बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट्स रिएक्शन मैकेनिज्म हेलोअल्केन हेलोरीन में कवर कर लिए थे. तो आई एक्सपेक्ट कि आपको वो चीज़ें याद होंगी. और अगर आपने वो लेक्चर भी नहीं देखे हैं हेलोअल्केन हेलोरीन वाले तो प्लीज़ जाके वो लेक्चर पूरे देख लेना बिकॉज दैट इज़ द बेस चैप्टर जहाँ हमने SN1 SN2 राइट SNI E1 E2 ये सारे मैकेनिज्म पढ़े थे. चलिए द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स टुवर्ड HCl इज, क्या होगा इसका आंसर क्विकली. 30 seconds का टाइम आपके पास है, ठीक है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. चलिए
तो जब आप कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करते हो, और कंसंट्रेटेड HCl ले लो या HCl की जगह HBr ले लो, मतलब HX, ओके, कोई भी हाइड्रो हैलस एसिड है, फाइन, तो वहां पर होगा क्या, OH ग्रुप की पहले क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन, क्योंकि HCl का जो H पॉजिटिव है वो OH को प्रोटोनेट करके OH2 पॉजिटिव बनाएगा, एज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो जहां पर OH लगा है ये फाइनली OH2 बन के निकल जाएगा, ठीक है, ये निकलेगा तो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो एक केस में यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, दूसरे केस में यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, थर्ड केस में, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहां पर कार्बोकैटायन बन रहा है, फोर्थ केस में इसको बंद कर देते हैं, OH2 पॉजिटिव ये निकल गया और यहां पर कार्बोकैटायन आ गया, फाइन, तो आपको ये बताना है कि सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन क्या है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन विल बी रेट डिसाइडिंग स्टेप, सॉरी RDS, तो रेट डिसाइडिंग स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो जिसका कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल है उसमें रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, यहां पर विड्रॉइंग ग्रुप है स्ट्रांग, यहां पर भी स्ट्रांग विड्रॉइंग ग्रुप है, द पॉइंट इज कि यहां पर फ्लोरीन कितना दूर है, नेक्स्ट कार्बन पे फ्लोरीन लगा है, यहां पर दो कार्बन के बाद फ्लोरीन है, मतलब एडजेसेंट पे फ्लोरीन नहीं है, उससे नेक्स्ट अल्टरनेट कार्बन के ऊपर फ्लोरीन है, दूर है, तो उसका जो विड्रॉइंग इफेक्ट होगा वो कंपैरेटिवली वीक होगा, तो दो वाला बेटर है फर्स्ट से, इस केस में कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, इट इज सिंपल 2° कार्बोकैटायन, यहां पे इट इज बेंजाइल कार्बोकैटायन, ऑब्वियसली बेंजाइल कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज ओवर द बेंजीन रिंग, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो फोर का बेटर सबसे फास्ट होगा, और सबसे पीछे आएगा 1, 4, 1, बाकी किसी में नहीं है, ये आउट हो गए, 4, 1 में भी क्या करना, 4 उसके बाद 3, बिकॉज इसमें कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं और 2° कार्बोकैटायन है, ये भी 2° है पर उसमें विड्रॉइंग ग्रुप है, तो 4, 3, 2, 1, फाइन, सिंपल क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट वन, फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग अल्कोहल द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विद कंसंट्रेटेड HCl एंड anhydrous ZnCl2 इज, ये AI-EEE 2010 का क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन से आपको आइडिया ये लगता है कि रिसेंट ईयर्स में JEE में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिकॉज ये प्रेपरेशन के टाइम पे खास करके ऑर्गेनिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बेटा उस प्रेपरेशन का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अगर आप MSc लेवल की चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे ओके, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू क्रैक JEE. नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, आपकी नॉलेज में क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ आने चाहिए, पर यह भी पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज जो बच्चा सही अप्रोच से प्रैक्टिस करेगा वो क्या करेगा, इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करेगा, आप भी बहुत इजी क्वेश्चन है मे बी आप भी 30 सेकेंड में सॉल्व कर लोगे, पर अगर दूसरा 10 से 15 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर दे रहा है, 20 सेकेंड में सॉल्व कर दे रहा है, तो दैट मेक्स अ लिटिल बिट डिफरेंस ऑल्सो, फाइन, देखिए, तो कंसंट्रेटेड HCl, तो जब भी आप अल्कोहल को कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 लेते हो, ZnCl2 डालने का रीजन मैंने आपको हेलो अल्केन चैप्टर में ऑलरेडी बताया था कि ROH अगर आपका 3° है तो 3° के साथ ZnCl2 लेने की जरूरत नहीं है, पर 2° है 1° है तो उसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बहुत स्टेबल नहीं बनता, ठीक है, और इसलिए क्या करते हैं हम ROH की एक्टिविटी, मतलब कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बनेगा तो ROH की रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ZnCl2 जो कि लुइस एसिड है उसके साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, राइट, तो जिंक यहां पर लुइस एसिड है ZnCl2 में, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू जिंक पे अटैक करेगा और ROH पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना, फिर उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां पर अटैक करेगा और ये पूरा कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा, तो ZnCl2 का पर्पस क्या है कि 1° और 2° अल्कोहल के केस में रिएक्टिविटी को इंक्रीज करना, अल्टीमेट कहानी क्या है RCl ही बनना है, फाइन, तो फास्टेस्ट वो रिएक्ट करेगा जिसमें कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल बनता है, तो ऑब्वियसली रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, 1-butanol बेटा 1° कार्बोकैटायन, 2-butanol 2° कार्बोकैटायन, 2-methylpropane 2ol 2 पे ही मिथाइल भी और 2 पे ही ओल भी है, फाइन, दैट इज 3° कार्बोकैटायन, क्योंकि 2-methylpropane 2ol क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, जब OH निकलेगा यहां से OH2 बनके तो यहां पे 3° कार्बोकैटायन, तो ऑब्वियसली
थ्री डिग्री कार्बोकेटन। और ये क्वेश्चन आपका टर्बिडिटी वाला भी आता है कि वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री को जब भी आप कंसनट्रेटेड एच सी एल जेड एन सी एल टू के साथ ट्रीट करते हैं, दैट इज लूकास रिएजेंट, तो वहां पर टर्बिडिटी आती है, जो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा वहां पर, जो क्लाउडीनेस आती है ना रिएक्शन में, जो आर सी एल बनेगा वो डिजोल्व नहीं होंगे, फाइन, तो उनकी वजह से जो रिएक्शन है, जो मिक्सचर है, वो थोड़ा सा धुंधला सा हो जाता है, टर्बिडिटी मिल्कीनेस आ जाती है। तो वो जो मिल्कीनेस आती है वो सबसे जल्दी तब आएगी जो रिएक्ट कर जाएगा। तो थ्री डिग्री में इंस्टेंट टर्बिडिटी, टू डिग्री में 5 से 10 मिनट, और वन डिग्री में 15 से 20 मिनट या उससे भी ज़्यादा, आधा घंटा भी लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेई मेन 2013 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, जस्ट 20 सेकंड फॉर दिस, एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद अ लूकास रिएजेंट टू डिटरमिन वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। यस, लूकास टेस्ट हम करते हैं, टर्बिडिटी कितनी जल्दी आती है, कितने लेट से आती है, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि ये जो क्या होगा, रिएक्शन होगा, इसलिए वन डिग्री के साथ हो रहा है, टू डिग्री के साथ या फिर थ्री डिग्री के साथ हो रहा है, फाइन। तो विच अल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म। थ्री डिग्री सबसे जल्दी जाएगा और वो जाएगा SN1 से, बिकॉज कार्बोकेटायन बन रहा है वहां पे, फाइन, टर्शियरी अल्कोहल SN1, दैट्स इट। चलिए अब फाइनली नेक्स्ट राउंड पे आते हैं, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ रखी है उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया में दे दूंगा, कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे, पर कुछ चीज़ें जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में नहीं कवर की थी, जो अल्कोहल वाले में ही कवर होना है, वो हम पूरा डिटेल में मैकेनिज्म के साथ देखेंगे। देखिए, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द फॉलोइंग, कि अल्कोहल जो रिएक्टिव होते हैं क्या रीज़न है, जो ROH आपने लिख दिया, इसकी रिएक्टिविटी किस किस वजह से हो सकती है। एक तो अगर आप सोचें कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, तो ये एज अ बेस काम कर सकता है, कर सकता है ना, राइट। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब भी एक हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होता है, दैट बिकम्स एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक भी है, सॉरी, ठीक है, तो दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो स्लाइटली एसिडिक। तो इन दैट केस क्या होगा, पहला रीजन, द ऑक्सीजन एटम ऑफ OH इज न्यूक्लियोफिलिक एंड वीकली बेसिक, क्योंकि उसके पास दो लोन पेयर हैं, तो वो अपने लोन पेयर को किसी के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल या एज अ बेस अटैक करने के लिए यूटिलाइज कर सकता है, फाइन। दूसरा, हाइड्रोजन एटम ऑफ द OH इज वीकली एसिडिक, बहुत स्ट्रांग तो नहीं है, क्योंकि अल्कोहल की एसिडिटी वाटर से भी कम है, यस, अभी बात करेंगे उसके बारे में, तो दे आर वीकली एसिडिक, तो किसी बेस के साथ भी ये रिएक्ट कर सकते हैं। एंड OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, क्योंकि अगर आप ROH से ये सोचेंगे कि डायरेक्टली X नेगेटिव का अटैक हमने करवाया और OH नेगेटिव को बाहर निकाल दिया और ये बना RX प्लस OH नेगेटिव, तो बेटा ये रिएक्शन नहीं होता है, पता है ना आपको, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज OH नेगेटिव एक बहुत ही स्ट्रांग बेस है, That makes it a poor living group. ये बाहर निकलने की tendency में नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम acidic medium लेते हैं, acidic medium का जो H positive होगा, that will protonate this OH, OH2 बनेगा, water बाहर जाएगा, R positive carbocation, फिर उसके ऊपर attack होगा, fine. तो the entire process is के how to convert this OH into a better living group. तो OH का poor living group होना एक problem है, but it can be converted into a better living group to allow substitution or elimination reaction. वो कैसे करेंगे, वो हमने कुछ तो last chapter में हेलो के ने पढ़ा था, बाकी के इसमें हम continue करेंगे, fine, ठीक है। तो चलिए इन इन दो बातों के ऊपर एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि ROH है, तो अगर आप इसको किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो बेटा ये क्या बनाएगा, यहां से H पॉजिटिव निकाल लेगा, फिर से RO नेगेटिव बना देगा, ठीक है। तो अगर हम एक्चुअली हमने ये भी RO नेगेटिव ही लिया, चलो RO नेगेटिव की जगह पे हम कुछ और लेते हैं, लेट्स टेक NaH, तो NaH में Na पॉजिटिव H नेगेटिव, H नेगेटिव इज अ स्ट्रांग बेस, तो H नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकाल लेगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा RO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2 बन जाएगा, तो कोई बेस होगा वो यहां पर इजीली अटैक कर सकता है। वैसे ही ये जो ROH है, ये किसी और के ऊपर अटैक कर सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम ले लें, ठीक है, SO2 Cl2
ये लिया, तो सल्फर के छह इलेक्ट्रॉन यहां पर कंज्यूम हो गए बॉन्ड बनाने में. अब ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर हैं, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो सभी तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा हुआ है. दो तरफ ऑक्सीजन, दो तरफ क्लोरीन, तो सल्फर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया ना, तो ऑक्सीजन यहां पर अपने लोन पेयर को यूज करके इसके ऊपर अटैक कर सकता है. ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा और फाइनली फिर एक सीएल बाहर निकल जाएगा. तो इस तरह से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकता है, और साथ में जो हाइड्रोजन है वो किसी बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है. ठीक है, अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू अल्काइल हैलाइड. तो ये वाले सारे रिएक्शन हो चुके हैं. तो अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए एक तो आप अल्कोहल को कंसनट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट किया, OH2 पॉजिटिव बाहर निकला, कार्बोकैटायन बना, Cl का अटैक हुआ, क्या बनेगा एंड प्रोडक्ट इज सिंपली OH हटाओ Cl लगाओ. ठीक है, दूसरा कंसनट्रेटेड HBr, यहां पर भी वही चीज होगी. ठीक है, क्योंकि स्ट्रांग एसिड है तो इसके केस में यहां पर OH हटाया Br लगा दिया. ओके, तो एक चीज तो ये है कि डायरेक्ट यहां पर जो अटैक होगा दैट में भी कैसा SN2 SN2 अगर अटैक होता है, क्योंकि ये OH का बनेगा OH2 पॉजिटिव, तो जैसे OH2 पॉजिटिव बनेगा उसी टाइम ब्रोमाइड अटैक किया और OH2 पॉजिटिव बाहर निकला, मतलब लिविंग ग्रुप और अटैक एक ही स्टेप में हुआ, तो SN2 वाला भी हो सकता है और कार्बोकैटायन वाला मैकेनिज्म SN1 भी हो सकता है थोड़ा बहुत. वैसे 1 डिग्री में SN1 उतना ज़्यादा होता नहीं है, उसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम हो जाती है, पर फिर भी ये हो सकता है कि यहाँ पर कार्बोकैटायन बने, फिर वो थोड़ा रीअरेंज करके 2 डिग्री पे जाए और 2 डिग्री पे जाके फिर फाइनली प्रोडक्ट बने. देन PBr3 के साथ आपको पता होना चाहिए कि इट इज SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन है तो डेफिनेटली वहाँ पे इन्वर्जन होगा. तो अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ रखी है रिएक्शन में, तो बेटा PCl3 PBr3 के साथ जो रिएक्शन है वो जनरली SN2 मैकेनिज्म से होते हैं, और तीन अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ एक PBr3 या PX3 सफिशियंट होता है. ठीक है, तो ये आप PBr3 भी ले सकते थे, इसकी जगह पे आप PCl5 भी ले सकते थे अगर आपको क्लोरीनेशन करवानी है. तो क्या होगा जब SN2 है, तो ऑब्वियस बात है नो रीअरेंजमेंट, डायरेक्टली OH हटाया, ब्रोमीन लगा दिया. ठीक है, अब यहां पर SOCl2 है, तो SOCl2 के साथ क्या बताया था आपको, जब पिरिडीन आप एज अ बेस साथ में ले रहे हो तो ये SN2 होता है. अगर आप अकेला SOCl2 लेते तो क्या होता, ये SNi होता. तो पिरिडीन के साथ इट बिकम्स SN2, अकेला SOCl2 लेते तो ये होता SNi, वहां पर रिटेंशन होती, पर यहां पर क्या हो रहा है इन्वर्जन. बस तो OH हटाओ Cl लगाओ और वहां पर इन्वर्जन होना, ये आपको पता ही, SN2 हो रहा है. This is OCS3, this is Cl. Fine. तो ये रिएक्शन भी हो गए. चलिए अब ये चार क्वेश्चन इसके ऊपर करके जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी ये पढ़ाई था. तो गिव द मेजर प्रोडक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस क्विकली. एक मिनट का टाइम है आपके पास, एक मिनट में आपको ये चार क्वेश्चंस करने हैं. फाइन, जल्दी जल्दी से. एंड बाकी अगर आपकी कोई भी और भी आपके पास आइडियाज़ हैं कि हम ये कर सकते हैं, इस तरह से हम चीज़ों को और डिस्कस कर सकते हैं, ये चीज़ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. मैं आपको पहले भी कहा था हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट बूस्टर, जहाँ पर आप छोटे छोटे टिपिकल क्वेश्चन, सर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ये क्या होता है, उस तरह के अगर आप पूछेंगे तो हम उनको आने वाले टाइम में उस कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज में इनकॉर्पोरेट करके एक ब्रीफ वीडियो बना के आपकी वो पूरी डिटेल में जो क्वेरी है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, तो उसका बेनिफिट आपको भी होगा और आपके जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को होगा जो उस प्रॉब्लम के साथ, उस डाउट के साथ काफ़ी टाइम से जूझ रहे थे. चलिए देखो, फर्स्ट केस HBr दिया है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है, कार्बोकैटायन ठीक बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो OH की प्रोटोनेशन हुई, OH2 पॉजिटिव बाहर निकला और यहाँ पे CH3CH2, उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं मिलेगा, 2 डिग्री ही रहेगा, ये बन गया. ठीक है, SN1 मैकेनिज्म. यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है, OH2 पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, 3 डिग्री पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं, यहीं पे डायरेक्टली ब्रोमीन लग जाएगा. यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगेन इट्स अ 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री वाली पोजीशन पे डायरेक्टली
SN1 रिएक्शन, यहां ब्रोमीन लग गया, यहां पर क्या है बेंजाइल, बेंजाइल भी बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, तो स्टेबल कार्बोकैटायन की वजह से यहां पर भी बेंजाइल पोजीशन पे डायरेक्टली SN1 रिएक्शन और CH2Br. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे. चलिए नेक्स्ट वन, द अल्कोहल्स की एसिडिक नेचर. तो मैंने कहा था अल्कोहल की एसिडिटी होती है बिकॉज हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन. तो अल्कोहल्स हैव एसिडिटीज बट दैट इज वेरी क्लोज टू वाटर. तो आप बोलोगे सर पानी को तो हम मतलब क्या लेते हैं, वाटर इज ट्रीटेड एज एम्फोट्रिक, एज अ एसिड भी काम कर सकता है, एज अ बेस भी काम कर सकता है. येस, तो अल्कोहल का भी हम अभी तो ये बात कर रहे थे, ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर हैं दे कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और अ बेस, बट जो हाइड्रोजन है उसकी वजह से वो एज अ एसिड भी काम कर सकती है. ठीक है, अब आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास है तो एसिडिटी बढ़ेगी, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दे डिक्रीज एसिडिटी. तो अगर वाटर का एग्जांपल लिया जाए तो वाटर में तो दोनों तरफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ना आप विड्रॉइंग मानते हो ना उसको आप डोनेटिंग मानते हो. तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अगर एक एच को मैं आर से रिप्लेस कर दूं तो ये अल्कोहल बनता है. तो मैं क्या किया, वाटर से जैसे अगर मैं अल्कोहल पे जा रहा हूं तो मैंने अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया. अल्काइल ग्रुप कैसा होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, तो डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से एसिडिटी को थोड़ा कम करेगा. तो दैट इज व्हाई के अल्कोहल्स आर अ लिटिल लेस एसिडिक देन वाटर. और ये अल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट होगा इसका इंडक्टिव के थ्रू, उतनी ही एसिडिटी को ये कम करेगा. फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आप देखो CH3OH का pKa 15.5, वाटर का कितना है 15.74, इथेनॉल का है 15.9 और थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल का है 18. ठीक है, तो यस डेफिनेटली आप बोलोगे सर यहां पर CH3OH का तो क्या है स्लाइटली कम है ना, पर बाकी सारे जो अल्कोहल है उनका ज्यादा ही है. ठीक है, तो यस जनरल यही होगा कि दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ वाटर, और इन जनरल हम क्या बोलेंगे, हम उनका सबका कम ही बोलेंगे. तो ये जस्ट आपको याद रहे कि यस CH3OH की वैल्यू स्लाइटली कम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 15.74 और 15.5. और ये वैल्यूज भी अगर आप अलग अलग टेबल्स में चेक करते हैं, यू ट्राई 2-3 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पी के ए वैल्यूज, आपको इन वैल्यूज में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि कई जगह वाटर की पीएच को 15.8 लिया होगा, दैट इज रफली 16. ठीक है, तो इसमें बड़ी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने हैं, ज्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी है. ये याद रखना है कि अल्कोहल की एसिडिटी जनरली वाटर से कम ही होती है. और अगर आप एक रिलेटिव एसिडिटी ऑर्डर देखोगे, ठीक है, नॉर्मल अगर आपको एक एसिडिटी ऑर्डर देखना है तो वाटर की ज्यादा, फिर उससे कम अल्कोहल की है, फिर उससे भी कम है टर्मिनल एल्काइन की. ये क्या आपका टर्मिनल एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो टर्मिनल हाइड्रोजन जो होता है, टर्मिनल एल्काइन वाला हाइड्रोजन, दैट इज एसिडिक, पर वो भी अल्कोहल से कम है. फिर हाइड्रोजन, फिर अमोनिया जो कि हाउस होल्ड बेस भी है, है ना, अमोनिया तो स्लाइटली बेसिक होता है, फिर जाके आया आपका सिंपल हाइड्रोकार्बन अल्केन. तो ये आपका जनरल एसिडिटी का ट्रेंड है. तो अगर आपको ये जनरल ट्रेंड याद रहेगा तो उसका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जब भी आप कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस वाला काम करते हो ना, तो आपको पता तो होना चाहिए कि कॉन्जुगेट्स की एसिडिटी या बेसिसिटी का ऑर्डर होता कैसा है. तो ये अगर आपको सीक्वेंस याद रहा तो दैट विल प्रूव टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम एसिडिटी एंड बेसिसिटी. ठीक है, बस ये इतना सा याद करना था. अब नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद मेटल्स. मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा अल्कोहल, रिएक्ट विद स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. ये मेटल क्या होते हैं, मेटल के पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देना चाहते हैं. अब मैग्नीशियम की बात कर लो, पोटेशियम की बात कर लो, सोडियम की बात कर लो, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं. इलेक्ट्रॉन देने वाली टेंडेंसी किसकी होती है, बेस की. तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं दे एक्ट लाइक अ बेस. तो अगर अल्कोहल को उनके साथ रिएक्शन करना है तो अल्कोहल को एसिड बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बेस है तो दूसरा वाला बेस तो नहीं हो सकता ना, रिएक्शन तो एसिड और बेस के बीच में होगा. तो अल्कोहल बिहेव्स एज एसिड्स विद स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम टू फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग मेटल एल्कोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो जैसे दो इथेनॉल प्लस सोडियम है तो क्या बनेगा, दो C2H5 O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस एक H पॉजिटिव, यहां से
उसको एक इलेक्ट्रॉन मिला सोडियम ने जो दिया, ठीक है, तो इसको ऐसे समझो C2H5OH से यहाँ से अगर हम एक H पॉजिटिव निकालें बाहर, H पॉजिटिव के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा ना उसको, सोडियम जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये बनेगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो वो जो H पॉजिटिव आया, H पॉजिटिव ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो H बन गया, ऐसा ही एक और आया एक और H बन गया, तो दो H मिलके H2 बन गए, और ये जो Na पॉजिटिव था ये उस C2H5O नेगेटिव के साथ कंबाइन करके सोडियम इथॉक्साइड दे देगा, ठीक है, तो फाइनली मेटल क्या बनेंगे, एल्कोक्साइड, तो फाइनली आपको मेटल एल्कोक्साइड मिलते हैं विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि अल्कोहल एसिडिक होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर अल्कोहल एसिडिक नहीं होते तो यहां से ये एच पॉजिटिव नहीं निकलती, ये एच पॉजिटिव नहीं निकलता तो फिर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती, तो हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन, ठीक है, जब हम अल्कोहल को मेटल से ट्रीट करते हैं इस बात को कंफर्म करता है कि यस अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। वैसे ये टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, मतलब टर्ट ब्यूटेनोल है, इसका टर्ट ब्यूटॉक्साइड बनेगा, ठीक है, तो टर्ट ब्यूटेनोल का या टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल को पोटेशियम से ट्रीट किया तो 2-CH3COH का बन जाएगा CO नेगेटिव K पॉजिटिव प्लस H2 गैस यहां पर रिलीज होगी, फाइन। चलिए नेक्स्ट वन, द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद NaH, NaNH2 एंड RMGX, ठीक है, देखो अब ये सारे सारे क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस आके NaH, NaNH2, RMGX, तो क्योंकि वो सारे सारे स्ट्रॉन्गली बेसिक हैं तो अल्कोहल का रिएक्शन एज एसिड होगा, तो आप सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे कि ROH प्लस NaH, यहां से H नेगेटिव, यहां का H पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा RO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पर भी रिलीज होगी, ROH प्लस NaNH2, यहां पर NH2 नेगेटिव है ना, जो नेगेटिव रिचार्ज पार्ट है वो NH2 नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव वहां से H पॉजिटिव उठाएगा तो बनेगा RO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस अमोनिया, तो दैट विल बी रिलीज ऑफ अमोनिया गैस, फाइन। और थर्ड इज RMGX, ठीक है, ओके, लगता मैं यस भूल गया था, यहां ऑलरेडी मैंने ये लिखा हुआ था, चलिए तो CH3OH प्लस NaH, ये बन जाएगा आपका CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस, देन C2H5OH प्लस NaNH2, तो C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस अमोनिया गैस, एंड नेक्स्ट C2H5OH प्लस CH3MgI, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पहले आप पढ़ चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्ट्रॉन्गली बेसिक और स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, तो ये CH3MgI में मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, CH3 वाले पार्ट पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये बेटा CH3 नेगेटिव जो है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, अब इसका अटैक सीधा एसिडिक हाइड्रोजन पे होगा, तो ये CH3 नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव उठाएगा और बनेगा CH4, और बाकी क्या रह जाएगा C2H5O नेगेटिव MgI, है ना, Mg पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये बन जाएगा प्लस, बन जाएगा आपके पास CH4, तो अल्केन बनाने का भी ये अच्छा तरीका है, क्योंकि RMGX से R ले लो, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन उठाओ और RH बना दो उसका, वैसे यहां पे C2H5 है, ये इसका H उठाएगा और C2H6 प्लस MgBr OCH3, तो MgBr ऐसे समझ लो, MgBr और एक बॉन्ड बन गया इसका OCH3 के साथ, चाहे ऐसे लिखना ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिखना ऐसे लिख लो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या है, उसको बस एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढ के उसके साथ रिएक्शन करना है, फाइन। चलिए नेक्स्ट वन, द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या होता है, देखो व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड, पहले एक बार आप ध्यान से इसको पढ़ लो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपने पढ़ा होगा एस्टेरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड फिशर एस्टेरिफिकेशन, तो एस्टर फॉर्मेशन कैसे होती है, तो जब भी आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सेस ऑफ अल्कोहल के साथ स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, है ना, एसिडिक मीडियम में रखते हैं विद अ प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो लेंगे पर स्मॉल अमाउंट, ताकि वो जस्ट उसको एज अ कैटलिस्ट काम करे, उसको कैटलाइज करे, तो इट इज अ एसिड कैटलाइज्ड एस्टेरिफिकेशन, ओके, तो एसिड कैटलाइज्ड एस्टेरिफिकेशन को बोलते हैं बेटा फिशर एस्टेरिफिकेशन,
फाइन. तो विद एक्सेस ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4 और ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्योंकि एसिडिक मीडियम देना है, चाहे H2SO4 ले लो, HCl ले लो, तो एन एस्टर इज फॉर्म्ड. तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का मतलब ये है, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स यू एस्टर प्लस वाटर. उल्टा भी हो सकता है, एस्टर प्लस वाटर गिव्स यू अल्कोहल प्लस एसिड. तो बोथ वेज है. अब आपने किसको एक्सेस में लिया, प्रोडक्ट बढ़ा दोगे, पानी एक्स्ट्रा डाल दोगे तो वो बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है. अल्कोहल एक्सेस में ले लोगे तो फॉरवर्ड चला जाएगा. तो रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट्स को आप कैसे मैनिपुलेट करते हैं, दैट विल डिसाइड कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन किस तरफ जाएगा. जैसे ये आ गया एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल. इसको आप एक्सेस में क्यों लिया गया, यहां पर क्यों लिया गया इसको एक्सेस में, बिकॉज हम चाहते हैं एस्टर बने. तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर बेटा आप रिएक्टेंट ज्यादा लोगे तो उनको इक्विलिब्रियम पहले एस्टेब्लिश हो चुका था, आपने रिएक्टेंट और ले दिए, तो रिएक्टेंट क्योंकि बढ़ा दिए तो उनको कंज्यूम करने के चक्कर में रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड. तो जितना अल्कोहल एक्सेस में लोगे उतना ही एस्टर बनने के चांसेस ज्यादा होंगे. उल्टा अल्कोहल कम कर दोगे, यहां पर पानी बढ़ा दोगे, तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा और आपको अल्कोहल प्लस एसिड वापस मिल जाएगा, ठीक है. और जैसे ये रिएक्शन है, अब इसमें क्या होता है, इसमें दिक्कत क्या आती है, दिक्कत इसमें यह आती है कि ठीक है, H हटा के हमने क्या किया, हमने ये वाला अल्काइल ग्रुप तो लगा दिया, ठीक है. पर मजे की बात यह है कि ये O भी जाता है क्या, मतलब ये जो CH3CH2 है ये अपने ऑक्सीजन के साथ आता है, या ऑक्सीजन जो पहले से थी वही रहती है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही आता है. दैट इज अ डाउट, क्योंकि ये डाउट किसी को भी आएगा. जब साइंटिस्ट भी इस चीज को स्टडी करेंगे या किया था तो उनको भी ये डाउट आया था. तो उसके लिए क्या किया, क्या यहां पर एक ऑक्सीजन को लिया गया CH3OH में O18 है ना, डिफरेंट आइसोटोप लिया, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब इन्होंने प्रोडक्ट में देखा कि वो O18 है या नहीं है. तो प्रोडक्ट में O18 थी, मतलब अल्कोहल का OR पार्ट आता है, OR पार्ट इस OH को रिप्लेस करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, ठीक है. तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग से होने वाला रिएक्शन है, और यहां से वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये OR इस OH को डायरेक्टली रिप्लेस कर रहा है. ये भी क्वेश्चन आता है, स्टार मार्क्ड ऑक्सीजन इसके पास होगी या उसके पास होगी, कहां पर जाएगी, है ना, कि वाटर में तो नहीं चली जाएगी, फाइन. चलिए अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म इसी का कर लेते हैं, RCOH प्लस ETOH, ठीक है, या जनरल मैकेनिज्म करना तो जनरल भी कर सकते हैं. देखिए तो ठीक है, लेट्स टेक CH3COH ओके प्लस ROH. अब क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया गया है कि पहले ROH को प्रोटोनेट किया ROH2 पॉजिटिव, फिर वहां से H पॉजिटिव इसने एक्सट्रैक्ट किया. तो घुमा फिरा के कहानी देखो, मैकेनिज्म इज ऑल अबाउट, मैकेनिज्म इज नॉट रियलिटी. आपने देखा नहीं है कि उसमें मॉलिक्यूल्स में घुस के कि एग्जैक्टली क्या ऐसे ये निकल रहा है यहां से वहां जा रहा है, बट मैकेनिज्म इज द मोस्ट, क्या बोल सकते हैं आप, लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल पाथ ऑफ द रिएक्शन. कि अगर इससे ये बना होगा तो शायद ऐसे 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 करके बना होगा. हर एक रिएक्शन के लिए, हर एक स्टेप के लिए रीजन दिया जाता है कि यही क्यों हुआ, कुछ और क्यों नहीं हुआ. जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे रिलेट करके देखा जाता है कि जो एक्सपेरिमेंट में आया डेटा, क्या आपका जो लॉजिक है वो उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. पर फिर भी एक रिएक्शन के मल्टीपल मैकेनिज्म भी होते हैं और वो सही भी होते हैं. तो बड़ा ज़्यादा सेंटी नहीं होना मैकेनिज्म को लेके, मैकेनिज्म उतनी भी पत्थर की लकीर नहीं होती. ओके, स्लाइट वेरिएशन है, बट या द जिस्ट जो एक मेन कॉन्सेप्ट है उसमें ब्लंडर नहीं करना है कभी. तो ये एच पॉजिटिव कहाँ पर जा सकता है, ये इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर सकता है, इसको भी कर सकता है. आप बोलोगे सर इसको भी कर सकता है, बेटा इसको क्यों नहीं करेगा, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑलरेडी रेजोनेंस में है तो ये उतना अवेलेबल नहीं है. पर इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो टोटली अवेलेबल है, बिकॉज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस. तो इसने एच पॉजिटिव गेन करके ये हो गया प्रोटोनेट, ठीक है. एक पेयर बचा, पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां पे आ गया इसके पास OH. अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जो ROH है दैट विल अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल. क्यों,
क्यों बेटा कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो वो बोलेगा भाई ये बॉन्ड मेरे को दो। ये बॉन्ड जैसे ऊपर खिसकेगा ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब यहाँ पर अल्कोहल को एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना है। जल्दी से लिखो नेक्स्ट वन, आई ड्रॉप माई पेन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा, सी एस थ्री सी, यहाँ पे आपका ये भी OH बन गया, यहाँ पर भी OH था और ये आ गया आपके पास OH R और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ऑब्वियसली बात है ORH ये जो बना है यहाँ से ये H पॉजिटिव निकलेगा, इस H पॉजिटिव को लूज करने के बाद वो क्या बन जाएगा, जस्ट ये OR। तो मतलब ये बन गया आपके पास सी एच थ्री सी ओ एच ओ एच ओ आर। ऑब्वियस सी बात है एक कार्बन के ऊपर मैंने कहा था कि दो ओ एच भी अनस्टेबल होते हैं, यहाँ तो दो ओ एच और एक ओ आर आ गया, तो डेफिनेटली दैट इज अनस्टेबल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से प्रोटोनेशन होगी। अब जो प्रोटोनेशन होगी, अब देखो किसकी हो सकती है, आप बोलोगे हो तो बहुत हो सकती है, इस ओ एच की, इस ओ एच की, इस ओ आर की। अगर आपने बेटा ओ आर की प्रोटोनेशन कर दी और उसको निकाल दिया तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे, तो हमें प्रोडक्ट बनाना, रिएक्टर नहीं बनाना, इसलिए एच पॉजिटिव की प्रोटोनेशन कहां होगी, ओ एच के साथ। ठीक है, तो चलिए ये ओ एच ने इसको प्रोटोनेट किया, तो प्रोटोनेट करने के बाद ओ एच टू बना, ओ एच टू बना के आपने वाटर बना के निकाल दिया। ठीक है, तो वो आपने वाटर बना के निकाल दिया, या चलो एक काम करें इसको वाटर को थोड़ा सा आराम आराम से निकालते हैं, अदरवाइज फिर आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, बीच का स्टेप कहाँ गया। फाइन, अब ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और OH2 पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर बन के निकल जाएगा, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, जब ये बाहर निकलेगा तो ये जो ऑक्सीजन है इसका पेयर यहां पर जम कर जाएगा। ठीक है, यही एक्चुअली इसको पुश करेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास सी एस थ्री सी, ये डबल बॉन्ड ओ एच, अब इसने लोन पेयर अपना दिया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये तो निकल गया, ये आउट है, इसकी हम बात नहीं कर रहे अभी, और एक बच गया ओ आर। फाइनली ये वाला जो एच पॉजिटिव था ये भी छोड़ दिया जाएगा और सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। ये है आपका एस्टर, ये है आपकी फिशर एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म, सिंपल राइट, सिंपल ही था, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, मतलब अल्कोहल को एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना था आपको कार्बोनिल पोजीशन पे, बस इनिशियली उस कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक करने के लिए हमने इसको प्रोटोनेट करवाया ऑक्सीजन को, ताकि बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो और ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बने ताकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक जल्दी हो पाए। एक बार दो बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करना, अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा ये मैकेनिज्म क्या होते हैं समझ तो आ जाते हैं, समझने में कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, पर जब आप बैठ के खुद से लिखने की ट्राई करते हो तो अरे यहाँ पर क्या हुआ था तो समझ तो आया था, पर यहाँ यहाँ क्या किया था, इसको निकाला था या उसको निकाला था। जब तक आप एक बार लिख के दो तीन बार प्रैक्टिस नहीं करोगे वो याद नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट इज अ रिएक्शन विद आर सी यू सी एल, इसको आप असाइलेशन भी बोल सकते हैं। तो अल्कोहल जब RCOCl के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर होने वाला है। तो अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ टर्शियरी अमीन बेस, वहां एसिड कैटलाइज था, यहां पर बेस कैटलाइज है, टर्शियरी अमीन बेस सच एज पिरिडीन और ट्राई इथाइल अमीन टू फॉर्म एस्टर्स, यहां पर भी कहानी वही है। तो मुद्दे की बात यह है कि RCOCl या RCOOH कार्बन के साथ जब ये वाला ग्रुप कार्बन इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाए, जैसे कार्बन और OH है तो बॉन्ड में पोलैरिटी थी, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर आया था, Cl है यहाँ पर भी बॉन्ड में पोलैरिटी है, जब जब इस बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी ये वाला एज ए लिविंग ग्रुप काम कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप एस्टर वाले की भी बात करें, ये OH इसमें पोलैरिटी है पर OH उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो हमने घुमा फिरा के उसको OH2 बनाया फिर जाके निकाला। फाइन, पर जो क्लोरीन है क्लोरीन को ऐसा कुछ HCl नहीं बनाना है, वो डायरेक्टली Cl नेगेटिव बन के निकल सकता है, इसीलिए आपको शुरुआत में ही एक एसिडिक मीडियम लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये जो अल्कोहल है दैट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा फिर वो नीचे आएगा फिर क्लोरीन को बाहर निकालेगा, मतलब ये डायरेक्टली एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, घुमा फिरा के Cl को बोलेगा बाहर जाओ और यहाँ बनेगा ओ आर एच और एच पॉजिटिव छोड़ देगा और ओ आर
रुक जाएगा, तो यहां से इससे भी आपका एस्टर बन जाएगा। ये जो HCl बना है ये वापस जाके बेचारा यहां पर इसके साथ गड़बड़ घोटाला ना करे, इसलिए हम पिरिडीन डाल के रखते हैं ताकि पिरिडीन उस HCl के साथ रिएक्ट करके उसको शांत करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करके उसको शांत कर देगा। फाइन, अब जैसे ये बेंजोइल क्लोराइड है तो क्या करना है, ये आपका ROH है, कोई बात नहीं, ये OR ग्रुप उठाओ और इसको यहां पर डायरेक्टली प्लेस कर दो। फाइन, यहां प्लेस हो गया नहीं, तो आपका अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो दैट इज PHCOOCH3, दैट इज ये बन गया, दैट इज योर एस्टर, प्लस साथ में जो HCl होगा वो पिरिडीन से रिएक्ट करके पिरिडीनियम क्लोराइड बना देगा। तो मैकेनिज्म की बात करें, चलिए मैकेनिज्म की बात इसमें देख लेते हैं, आप ज्यादा टिपिकल नहीं है, आप डायरेक्टली खुद भी इसको कर सकते हो। RCOCl प्लस आर डैश OH, ठीक है, देखिए, ओके, समबडी पॉइंटेड आउट, सर ये आर डैश नहीं है, दैट इज आर प्राइम, यस आई टोटली गेट इट, ये आर प्राइम है, बट एक्चुअली क्या है ना, वो आदत एक बन चुकी है आर डैश, तो आप ठीक है इसको आर प्राइम समझो, ठीक है, अब आप आर प्राइम बोलें आर डैश, आप समझ जाओ कि है क्या, ठीक है, यस आई एम थैंकफुल जिसने भी पॉइंट आउट किया है, दैट इज राइट, बट था कई बार हम इस तरह की चीज़ें एक तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर हम चलते जाते हैं, मे बी दैट मे बी लाइक लिटरली उतना करेक्ट नहीं होता। फाइन, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर शिफ्ट करेगा, उसके बाद आर सी ओ नेगेटिव, यहाँ पर सी एल, यहाँ पर आ गया ओ आर डैश एच, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव निकलेगा, ये इस पे जाएगा, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ आपको, ओ नेगेटिव सी एल ओ आर डैश, अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल होगा एक कुछ रिएक्शन, ओ नेगेटिव नीचे जंप करेगा, सी एल नेगेटिव को बाहर निकालेगा, तो आर सी ओ ओ आर डैश, ठीक है, और जो घुमा फिरा के जो एच सी एल बना वो क्या करेगा, दैट विल बी रिएक्टिंग विद द पिरिडीन या जो भी आपने बेस लिया हुआ है, तो इसमें भी आपका एस्टर बन गया। तो अल्टीमेटली आप ऐसे याद रख सकते हो कि आर सी ओ जेड, दिस जेड मे बी योर ओ एच, जेड मे बी सी एल, जेड मे बी ओ सी ओ आर एनहाइड्राइड, अगर ये जेड पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है, इस कार्बन और जेड के बीच में पोलैरिटी है और ये जेड एज ए लिविंग ग्रुप काम कर सकता है, तो बेटा इसको जब भी आप आर डैश ओ एच के साथ ट्रीट करेंगे तो ये जेड और एच बन के निकल जाएगा और आर सी ओ ओ आर डैश आपको एस्टर मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है, ये आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। फाइन, वैसे जैसे मैंने आपको बोला कि ये करना है, तो एसिड एनहाइड्राइड में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी एस्टर ही बनेगा, जैसे आर सी ओ ओ सी ओ आर, ठीक है, तो आपका ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि आर ओ एच अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा और ये होगा, तो अगर ये इस पे करता है तो बेटा ये पूरा का पूरा क्या बनेगा आपका, लिविंग ग्रुप, जैसे पीछे वो सी एल था उसकी जगह ये ओ सी ओ आर है ना, तो ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ जो ओ नेगेटिव बन के टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा तो वो शांत रहेगा, अच्छा स्टेबल लिविंग ग्रुप ये रहेगा, तो यहाँ पर भी आपको एक एस्टर मिलेगा और एक आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका मैकेनिज्म आप देख लेना, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फाइन, ठीक है, ये हो जाएगा, इसका मैकेनिज्म प्लीज आपके लिए होमवर्क है, ड्रॉ द मैकेनिज्म, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद सल्फोनाइल क्लोराइड, तो साइल क्लोराइड वाली रिएक्शन पढ़े आपने, TSCl, तो TSCl बेसिकली होता क्या है, पैरा टॉलवीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ही कॉमनली टोसाइल क्लोराइड बोलते हैं और उसको TSCl लिखते हैं, ठीक है, तो आपने कुछ इस तरह के रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़े थे, जैसे RCH2OH है, TSCl से इसको रिएक्ट करवाया फर्स्ट स्टेप में, फिर अगले में आर डैश ओ एन ए से ट्रीट किया, ये आपको फाइनली मिल गया ईथर, या ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल था, TSCl से ट्रीट किया, फिर KCN से ट्रीट किया तो OH हटा के CN लगा, तो कर कह रहे हैं हम OH को हटा रहे हैं और यहां पर OR डैश लगा रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, यहां पर भी OH हटा रहे हैं और यहां पर हम साइनाइड लगा रहे हैं, पर हम डायरेक्टली नहीं कर रहे,
उसको डायरेक्टली CN नेगेटिव से ट्रीट नहीं कर रहे, हम पहले TSCL से कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि TSCL से ट्रीट करने का पर्पज़ क्या, उसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, बिकॉज OH नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है. जब आप इसको TSCL से ट्रीट करते हो तो ये बन जाता है RCH2OTS. ये जो OTS है दैट इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप. फाइन, तो बेटा पहले बात करते हैं कि TSCL है क्या. दैट इज पैरा टॉलवीन सल्फोनाइल क्लोराइड. ये आपका आ गया टॉलवीन, है ना, इसकी पैरा पोजिशन पे SO2Cl. ये है आपका, दिस इज कॉल्ड TSCL. ओके, तो बेटा अगर ये आपका TSCL है तो टोसाइल ग्रुप क्या हुआ, ये पूरा का पूरा आपका टोसाइल ग्रुप हो गया, राइट. ये टोसाइल ग्रुप हो गया ना ये. तो जब आपने इथाइल अल्कोहल को इससे ट्रीट किया तो बेसिकली क्या बनता है, जो ROH है H हटाओ और TS लगा दो, तो इस O के आगे ये टोसाइल ग्रुप आया, तो O के आगे ये आपका टोसाइल ग्रुप आ गया. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन गया, दैट इज योर ROTS. अब ये जो OTS है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, अगर ये टूटेगा तो ये जो O नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज है, इसीलिए वो वीक बेस होगा, वीक बेस होगा, इसी वजह से वो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी होगा. तो उसका मैकेनिज्म आप चाहोगे देखना, ROH का TSCL के साथ रिएक्शन क्या होगा, देखो, तो ROH प्लस वो जो पूरा वाला पार्ट था पैराटोलवीन, इसको अगर हम R डैश कर लें तो भी आई थिंक चल पड़ना चाहिए काम. ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, R डैश SO2Cl ऐसा कर लेते हैं. ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, सल्फर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल एक दिया भी था, सल्फर यहां पर तीन तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, तो सल्फर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, पार्शियल पॉजिटिव, तो इसलिए ROH का जो लोन पेयर है ये डायरेक्टली यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जंप करेगा, तो फर्स्ट स्टेज के बाद आप लिख सकते हैं R डैश SO नेगेटिव डबल बॉन्ड O. ठीक है, Cl यहां पे OH R पॉजिटिव. अब नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, Cl बाहर, ठीक है, ये हो गया, और यहां पर फिर Cl यहां का H पॉजिटिव भी निकाल लेगा, तो फाइनली ये वन सेकेंड डबल O लग गया, ठीक है, ये बना फाइन. तो ये जो SOOR ये वाला जो पार्ट था आपका, दैट वॉज आई थिंक एक चीज भूल गए, ओ सॉरी, अरे यार एक डबल बॉन्ड, मैं सोचू मैं टोसाइल का ये दो ऑक्सीजन थे वो कहां गए, यस, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज टोसाइल R डैश SO2, फाइन, तो ये आपका ग्रुप है टोसाइल, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ROTS, बस सिंपल है. अब इसको किसी भी और के साथ ट्रीट करो तो ये जो आपका ROTS है, अब अगर आप इसको किसी न्यूक्लियोफाइल जैसे साइनाइड है, साइनाइड से ट्रीट करते हो तो साइनाइड अब यहां पर अटैक करेगा, ये अच्छा ग्रुप है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका RCN बन गया प्लस OTS नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल गया, तो ये वाला पार्ट हो गया. ओके, अब ये मैकेनिज्म देखो, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगे, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बच्चे समझ नहीं आएगा. एंड ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी, अगर आपने कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं रखी, आप सडनली बीच में आके सोचोगे कि मेरे को मैकेनिज्म समझ आने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा. जिसने हेलोल केन नहीं पढ़ा उसको अल्कोहल कभी समझ नहीं आने वाला. ओके, जिसने GOC नहीं पढ़ी उसको हेलोल केन भी मैक्सिमम पार्ट समझ नहीं आने वाला, पर फिर भी हमने ट्राई की थी हेलोल केन, बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी कि जिनका 11th का बेस उतना स्ट्रांग नहीं है उनको भी हेलोल केन अच्छे से समझ आ जाए. फिर भी इस चैप्टर में तो मैं क्लियरली मैं बोलता हूं कि आप पुराने टॉपिक अगर नहीं पढ़ के आओगे तो आपको समझ आने का कोई स्कोप नहीं है. तो प्लीज मेंटेन द फ्लो,
ऑर्गेनिक अगर आती है तो पूरी आती है, नहीं आती तो पूरी नहीं आती है, ऐसा नहीं होता। मेरे को स्टार्टिंग के दो चैप्टर आते हैं, आगे के दो नहीं आते हैं, तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि स्टार्टिंग के दो में जितना एफर्ट लगेगा उसका आपका हाफ एफर्ट भी नहीं लगेगा अगले दो में, क्योंकि वो मेंटेन हो रहा है कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जैसे आप आगे चलोगे चीज़ें और ज़्यादा ईजी लगती जाएंगी। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से जब वाटर रिमूव ऑफ करते हैं, एक तो हमने ईथर की प्रेपरेशन में पढ़ा था डिहाइड्रेशन क्या हुआ था, ईथर की प्रेपरेशन में क्या किया था हमने, डिहाइड्रेशन की थी हमने अल्कोहल की, पर वो इंटर मॉलिक्यूलर की थी, यहां पर हम इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जब आप अल्कोहल को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करते हो, आप एल्यूमिना Al2O3 के साथ भी ट्रीट कर सकते हो, वो भी एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड, हीटेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4, H3PO4, ठीक है, दे अंडरगो इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, मतलब उसी मॉलिक्यूल से वाटर निकलेगा, 1:2 एलिमिनेशन भी उसको बोलते हैं, और इससे बनती है फाइनली आपको एल्कीन्स। अब जैसे ये है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, तो कार्बन पे OH और बाकी तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हैं। जब तीनों तरफ ही मिथाइल ग्रुप लगे हैं, किसी भी एक से H निकल जाए, क्योंकि ये OH तो जाएगा, है ना, इट इज लाइक दिस, यहां से OH तो जाएगा, इस कार्बन पे ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, अब इससे H जाए या इससे H जाए या इससे H जाए, तीनों बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास एक ही एंड प्रोडक्ट आ रहा है। फाइन, यहां पर देख लो प्रोपेन टू ओल, ये बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में क्या है, यहाँ से OH जाएगा, अब बगल में आप लेफ्ट से निकालो या राइट से निकालो H, सिमेट्रिकल है, डजेंट मैटर, इसमें भी एक ही एंड प्रोडक्ट आ रहा है। फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट नहीं करना है, आप Al2O3 के साथ हीट कर लो 375 डिग्री सेल्सियस पे, तो एल्यूमिना, हीटेड एल्यूमिना, ये भी एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये भी डिहाइड्रेशन कर देगा, यहाँ पर भी एक ही प्रोडक्ट बनने का स्कोप था। अब बात आती है कि अगर कुछ ऐसा है तो यहां पर हम कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं, CH3CH2, देखो दैट इज 1, 2, 3, थर्ड पे OH है, ओके, नाउ दैट इज नॉट ब्यूटेन डुअल, दैट इज नॉट सिमेट्रिकल, तो इसकी जब आपने डिहाइड्रेशन की, अब बगल में ये वाला कार्बन डिफरेंट है, ये वाला कार्बन डिफरेंट है, तो एक बार OH और यहां से H जा सकता है, एक बार यहां से जा सकता है, तो डबल बॉन्ड दो पोजिशन पे आ सकता है, एक बार यहां पर, एक बार यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपने पढ़ा हुआ ये एल्कीन चैप्टर में 11th में कि डबल बॉन्ड वहाँ पर आना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बने, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हैं जिससे कि हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो नॉर्मल केसेज में दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, दिस इज ड्यू टू द सेट्स ऑफ रूल, तो यही आपने एलिमिनेशन रिएक्शन में भी पढ़ा था, हेलो अल्केन चैप्टर में पढ़ा था, नहीं एलिमिनेशन रिएक्शन में, कि सेट्जेव रूल बोलता है जब भी एक से ज्यादा अल्कीन बनने के चांसेस हो तो मेजर कौन सा बनेगा, जो कि ज्यादा अल्काइलेटेड है, जिसमें डबल बॉन्ड के साथ ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड हो। फाइन, तो ठीक है, इनको ऊपर लिख देते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, सो व्हाट विल डू, चलो समझ आ गया, आप इसको नोट ही कर लेना, इसको फिर भी एक बार ऊपर लिख देता हूं, दैट इज ये आ गया मेजर, दैट इज माइनर। अब जैसे ये रिएक्शन है तो यहां पर क्या करेंगे, H2SO4 के साथ स्ट्रांगली हीट किया हुआ है, तो पहले OH2 पॉजिटिव बनके बाहर निकलेगा, पहले डिहाइड्रेशन होगी और कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, ये आपका कार्बोकैटायन बना, यहां पर दो मिथाइल है, इट्स अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो ऐसा नहीं कि आप 2 डिग्री से डायरेक्टली डिहाइड्रेशन नहीं करवा सकते, yes, करवा सकते हो, इसके राइट साइड, इस पे तो हाइड्रोजन नहीं है, इस पे है, तो अगर इसी से आपको डायरेक्टली बगल वाला ये एच पॉजिटिव निकाल देना है तो एक प्रोडक्ट तो उस तरफ भी बन सकता है, पर ये माइनर बनेगा क्योंकि आपने कार्बोकैटायन को रीअरेंज नहीं किया और डबल बॉन्ड की भी कुछ ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर हो नहीं रही। अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन अगर ये मिथाइल शिफ्ट कर ले, यहां से ये मिथाइल शिफ्ट कर जाए, तो मिथाइल शिफ्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन में ये बगल वाली पोजीशन से यहां से एच निकाल सकता है, तो यहां से अगर ये बगल वाली पोजीशन से एच पॉजिटिव जाए, है ना, बगल वाला मतलब यहां पे,
यहाँ से एच जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, दो पॉसिबिलिटीज आ गई। तो एक तो आ गया ये, प्लस जो दूसरा प्रोडक्ट आएगा दैट इज ये। तो ऑब्वियसली बात है ये उतना स्टेबल नहीं होगा, उतना मेजर प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, ये वाला मेजर बनेगा क्योंकि इसमें अल्कीन की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज रहती हैं। और आप बोलोगे सिर्फ ये बन सकता है, नहीं यार एक और भी तो बन सकता है ना, यहां वाले से भी एच जा सकता है, ठीक है ऐसा भी जा सकता है, ये भी बना लो। ओके तो ये सारे कर लेना अच्छे से। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये है, इसको एक सॉल्व कर लेना, ठीक है। देन दिस वन प्रोवाइड द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कैसे मेजर प्रोडक्ट होगा, फाइन। ये है, ये सारी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करनी है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस सारे होमवर्क को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फाइन। तो तब तक के लिए मेक श्योर कि आपने अल्कोहल की ये सारी सारी चीज़ें कवर कर ली हो। इसके बाद जो आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे दैट विल बी अल्कोहल के आगे जो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इथर के जो आगे केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वो करेंगे, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड एंड ऑल, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आने वाले लेक्चर थोड़े और ज़्यादा इंटरेस्टिंग अमेजिंग होने वाले हैं, प्रोवाइडेड आपको ये सारी पुरानी चीज़ें आती हों तो ये रिविजन ज़रूर कर लेना, फाइन। और अगर आपको बुक में से कोई डाउट है, जैसे मान लो आप एम ए चौहान सॉल्व कर रहे हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर एम ए चौहान क्वेश्चन नंबर इतना है या कोई और बुक है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में, तो आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इन द डाउट सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगी, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन पूछा था, डाउट पूछा था, फाइन। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको बेटा प्लस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप प्लस अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने की सोच रहे हो, जल्दी से जल्दी कर लो ताकि आपकी प्रेपरेशन अभी से ट्रैक पे आ जाए, लाइन पे आ जाए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, लेट हो गया फिर आप बोलोगे सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे को उतना टाइम नहीं मिला, इतने यहाँ अमेजिंग एजुकेटर्स हैं। तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए जो भी आपको डिटेल चाहिए, सारी सारी डिटेल आपकी डिस्क्रिप्शन में दी है यहाँ पर वीडियो की, और जे लाइव कोड जरूर यूज करना है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, कुछ आपने सीखा आज, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।